चंडीगढ़ में नारी जागृति मंच की पिंक ब्रिगेड ने आजादी का अमृत महोत्सव एक अनोखे ढंग के साथ मनाया। मंच की पिंक ब्रिगेड की प्रधान नीना तिवारी ने 150 फीट लंबे और 30 फुट चौड़े तिरंगे का अनावरण कर तिरंगे के प्रति अपने सम्मान को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया और राष्ट्रीय ध्वज को एक साथ मिलकर सलामी दी। 150 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े तिरंगे को पिंक ब्रिगेड की महिला सदस्यों सहित बच्चों ने भी पकड़ा हुआ था, जो कि एकता और अखंडता को दर्शा रहा था। इतना ही नहीं, मंच ने शहीदों को नमन भी किया और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वंदे मातरम जय घोष सभी ने एक साथ मिलकर किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने आजादी के महत्व पर अपने विचार रखे, जिन्हें सभी ने सराहा। इवन आज की जनरेशन को भी नहीं पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में क्या अंतर है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि नारी जागृति मंच के अंडर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे 26 जनवरी तक ट्रेन कर लें और उनको अपने देश के बारे में जरूर बताएं। और हम इसके लिए छोटे छोटे वर्कशॉप्स लगाएंगे, जिसके अंदर हम ये सारा कुछ अपने देश के बारे में बताएंगे। राष्ट्रीय गीत क्या होता है हमारा, और राष्ट्रगान क्या होता है, 15 अगस्त क्या होता है, 26 जनवरी कौन झंडा लहराता है, कहाँ लहराते हैं झंडा, कैसे लहराते हैं। आज देश की आजादी में जो खुशी है उसका इजहार करना, हमने इतना बड़ा झंडा बनाकर हमने अपने मतलब देश की जो आन और बान और शान का जो ध्यान रखते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा पूरा शरीर पुलकित हो रहा है, हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है। आज इस झंडे को देख के हम ऐसे लग रहा है कि हम आज ही आजाद हुए हैं। इसका झंडा को बहुत ही हमारा बहुत प्यारा झंडा है, हमारे हृदय के अंदर बसने वाला झंडा है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। किस तरह से तैयार किया मैडम ये इतना बड़ा झंडा, और आखिर मकसद क्या था आपका लोगों को जागरूक करने? बस यही जागरूक करने का, भी अपने देश के प्रति प्यार रखें, अपने झंडे का सम्मान करो, अपने देश की जो हमारे मतलब झंडे की आन शान बान है इसका ध्यान रखो, इसका रूल ऑफ रेगुलेशन का भी ध्यान रखो। ये पैरों में नहीं आना चाहिए, ये नीचे नहीं लगना चाहिए, समझिए ना, इसका मतलब पूरा सम्मान करना चाहिए। बस सम्मान मान हमने देखा कि छोटा झंडा तो फिर भी जाकर नीचे गिरेगा होगा, लेकिन इतना बड़ा झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, जय भी नहीं गिरना चाहिए। बता दें कि कल 15 अगस्त को हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी देशवासी जहां अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं, साथ ही अलग अलग तरीकों से देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को भी याद कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।